अगर आपने एक वाटर में डाल दिया, लिक्विड में डाला, तो वाटर का लेवल मनिस्कस यहाँ से बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ऐसे होगा, टैंक बड़े। पर ट्यूब याद रखना बहुत 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 पतली होनी चाहिए। मैंने बड़ी बनाई है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ट्यूब बहुत पतली होती है। तो ये आपका लिक्विड का मनिस्कस है जो अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ लूँ, बी पॉइंट लूँ, और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी एटमोस्फेरिक, फ्लैट सरफेस है, जितना ऊपर उतना नीचे होगा, और ये सरफेस जो है इसके ऊपर भी अगर पी एटमोस्फेरिक ऊपर है तो यहां पर भी क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक नीचे भी सेम होगा, ऊपर नीचे। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये वाला, यहां पर जो प्रेशर होगा वो पी एटमोस्फेरिक, देखो ऊपर का प्रेशर बड़ा है, नीचे का छोटा है, बाय एन अमाउंट ऑफ टू टी बाय आर। अब इसमें कैपिटल आर यूज किया है, कोई बात है, सिंबल में कोई चक्कर नहीं है, पर याद रखना कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ, देखो ये नहीं भूलना, आप ऐसे छोटा और कैपिटल आर मत यूज करें, क्योंकि बुक्स कोई छोटा आर कैपिटल आर कैसे भी यूज कर सकती है। आप ये ध्यान से देख लें कि अगर टूटी के नीचे कोई भी रेडियस आ रहा है, चाहे वो छोटा आर चाहे वो बड़ा आर, वो पक्की बात है ट्यूब का रेडियस नहीं हो सकता, वो मनिस्कस का ही रेडियस होगा। ठीक हो गया यहां तक? तो ये इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ मनिस्कस है। मनिस्कस का रेडियस पता है क्या होता है, इसको स्फेयर बनाएंगे तो उसका रेडियस, ठीक है यहां तक। और ट्यूब का रेडियस इस क्वेश्चन में कितना है, स्मॉल आर है। अब हुआ क्या, यहां प्रेशर कम हो गया, यहां प्रेशर ज्यादा हो गया, और पानी कहां भागता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो पानी को दिखा, यहां पार्टिकल को दिखा कि यहां पर कम प्रेशर है, तो यहां का लिक्विड यहां पे, यहां का लिक्विड, इससे क्या हुआ, पानी ऊपर जाना शुरू हो गया, पानी ऊपर जाएगा। जैसे ही पानी ऊपर जाएगा, अब कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक यहां का प्रेशर इसके इक्वल नहीं हो जाता, और यहां का प्रेशर इक्वल तब होगा जब लिक्विड कॉलम एच रोजी इसके ऊपर लगा देगा, क्योंकि जितना लिक्विड ऊपर जाता जाएगा तो यहां का प्रेशर जितना पहले था वो तो है ही है, प्लस लिक्विड कॉलम कितना लगा देगा, एच रो जी। तो अगर अब यहां और यहां प्रेशर सेम हो जाए, अब लिक्विड और चढ़ना बंद हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि लिक्विड क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि यहां का प्रेशर कम है, यहां का सॉरी प्रेशर कम है, यहां का प्रेशर ज्यादा है, और यहां का प्रेशर मान लो अगर कितने है, 10 है, यहां का 8 है, तो लिक्विड ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक, जब तक यहां का प्रेशर भी 10 नहीं हो जाता, और वो तब होगा जब एच रो जी का प्रेशर इसमें 2 हो जाएगा इस पॉइंट का, तो 10 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10। तो लिक्विड ऊपर चढ़ चढ़ के यहां ज्यादा प्रेशर लगा देगा, तो लिक्विड चढ़ना बंद हो जाएगा। ये रूल समझ में आ रहा है, लिक्विड क्यों चढ़ रहा है ऊपर? तो अब फिर से देखो इधर, स्टार्टिंग इनिशियली क्या था, ए पॉइंट पर प्रेशर क्या था, पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाई आर, सी पॉइंट पर प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेरिक, और सी पॉइंट या बी पॉइंट एक ही बात है, सी और बी का प्रेशर ए पॉइंट से बड़ा था, तो पानी ऊपर चढ़ेगा, क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। फाइनली क्या हुआ, इनिशियली तो ठीक है, फाइनली यहां का प्रेशर तो सेम रहेगा पी एटमोस्फेरिक, यहां का प्रेशर जितना था उसमें लिक्विड के लेवल ने भी ऐड कर दिया कितना, एच रो जी। अब लेफ्ट और राइट के प्रेशर मान लो क्या हो गए, सेम, पानी चढ़ना बंद हो गया, एच हाइट तक चढ़ पाया, पी एटमोस्फेरिक से पी एटमोस्फेरिक कैंसल, तो टू टी बाई आर इज एच रो जी, ठीक, एच रो जी, कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट, यहां पे एच की वैल्यू क्या आ गई, टू टी बाई आर रो जी, ठीक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एच की, तो ये हाइट ऑफ क्या आ गया, लिक्विड आ गया कैपिलरी में, और हाइट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस टेंशन के, जिन लिक्विड की सरफेस टेंशन बहुत कम होती है या होती नहीं, उनमें हाइट की वैल्यू भी या तो होती नहीं या फिर कम होती है, लिक्विड राइज नहीं करता। अगर ऐसा लिक्विड डाला जाए जिसकी सरफेस टेंशन काफी है, तो फिर वो उतनी ज्यादा हाइट भी अटेन कर लेगा, पहला पॉइंट। अब प्रॉब्लम यह है कि जो लिक्विड का मेनिस्कस होता है ना शेप, उसका रेडियस मेजर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस मेजर करना आसान है, तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफिकेशन के अंदर देखो मैं क्या करूंगा, सपोज ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये इसका मेनिस्कस है, आपने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या आ गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक। अगर आप इस मेनिस्कस को कंप्लीट करें तो ये बनेगा स्फेयर, सच दैट इसका रेडियस क्या आएगा, कैपिटल आर, मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक, लेकिन ट्यूब का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, इनको ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री बन गया,
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री पे हैं, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो गया थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ठीक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। एक मिनट, ये देखो ये डायग्राम बेटर है, ये मेनिस्कस है, ये बना दिया इमेजिनरी स्फीयर मेनिस्कस का, बड़ा रेडियस आर मेनिस्कस का, और ये ट्यूब का रेडियस सी, इसका बेटर दिख रहा है। तो ट्यूब का रेडियस ऐसे बनेगा, मेनिस्कस का ऐसे बनेगा, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ठीक, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें मेनिस्कस का रेडियस ना पता नहीं होता, पर ट्यूब का रेडियस पता होता है, तो हम इस ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो मेनिस्कस का रेडियस आ जाएगा स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। ठीक, तो जो पिछला रिजल्ट था जो भी हमने निकाला, उसके अंदर यहां तक तुमने निकाल ही लिया था एच का फॉर्मूला, जो एच हाइट का फॉर्मूला आया था वो मेनिस्कस के रेडियस की फॉर्म में था, पर मेनिस्कस का रेडियस ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ट्यूब का रेडियस आसान है, तो मैं क्या करता हूं कॉस थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर से कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस ट्यूब के रेडियस की फॉर्म में निकाल लेता हूं, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देते हैं, ये आ गया कॉस थीटा, ऊपर चला गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया हाइट का, हाइट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय 2t cos थीटा बाय r rho g। लेकिन जो हाइट का फॉर्मूला आया उसमें जो रेडियस है वो मेनिस्कस का रेडियस नहीं है, वो ट्यूब का रेडियस है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर, इसमें जो हाइट की वैल्यू है, हाइट हमारे पास हाइट की क्या वैल्यू आई थी 2t बाई कैपिटल आर रोजी, पर मैं फिर कह रहा हूं कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ट्यूब नहीं, और ट्यूब की फॉर्म में फॉर्मूला, रेडियस की फॉर्म में, ट्यूब के रेडियस की फॉर्म में फॉर्मूला ये आया था, तो इसमें ये हाइट का फॉर्मूला आया सच दैट 2t बाय रो जी एक तरफ। अब मुझे पता है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती, टू कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, डेंसिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होती, जी कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, तो राइट साइड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो किसी भी कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड राइज करेगा, तो लिक्विड का जो मेनिस्कस होगा और जो हाइट ऑफ लिक्विड वो अटेन करेगा उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन ये आता है, मान लो एक कैपिलरी ट्यूब आपने डाल दी वाटर में, वाटर को राइज करना था 15 सेंटीमीटर, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ इनसफिशियंट थी और सिर्फ 5 सेंटीमीटर थी, राइज करना था 15 सेंटीमीटर, तो अब क्या होगा, पानी ऊपर तो आएगा, फाउंटेन बना लेगा, गिर जाएगा ऐसे बाहर आके? नहीं गिरेगा, वो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि जितनी हाइट उसकी छोटी होगी उतना ही उसका मेनिस्कस का रेडियस बड़ा हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है, तो यानी कि अपने रेडियस को बड़ा 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 करता जाएगा लेकिन बाहर कभी भी नहीं गिरता, तो अपने मेनिस्कस की एडजस्टमेंट करेगा, बाहर नहीं गिरेगा अगर इनसफिशियंट लेंथ को आप रखेंगे। ये क्वेश्चन आता होता है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि शेप अगर ज्यादा बेंड है वो कम बेंड हो जाएगी, इसका मतलब ये रेडियस ज्यादा कम होता है, ये रेडियस इन फ्लैट का मतलब इन्फिनिटी है ना बहुत ज्यादा, तो वो फ्लैट होने की कोशिश करेगा, और अगर एच छोटा होगा। ठीक है यहां तक, तो इनसफिशियंट लेंथ का केस समझ में आ गया। कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये स्पेशली जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कंपटीशन में आती हैं, और नॉन मेडिकल में तो न्यूमेरिकल ही आना है, फिर भी यू नेवर नो, एक बार सुन लो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, कैपिलरी अगर इनसफिशियंट लेंथ ही है तो एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, मैंने बता दिया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 180, ये हमने डिस्कस कर लिया था। प्योर वाटर और ग्लास का थीटा 0 है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 समझते हो, कि अगर ये ट्यूब है तो एकदम फ्लैट, फ्लैट मीन चिपक जाएगा पूरी तरह पानी, पानी चिपकेगा तभी तो साइड पे लग जाएगा दीवार के साथ, उसके बाद ऐसा आएगा। अब जब आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो टेंजेंट ऑलमोस्ट ग्लास के साथ जाता है और इसके साथ एंगल क्या बना लेता है 0, जबकि बाकी लिक्विड में टेंजेंट थोड़ा टेढ़ा बनता है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ तो बनता है। थीटा 0 का मतलब ये मेनिस्कस काफी बड़ा बनने वाला है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट 0 होने वाला है। लेकिन जो नॉर्मल वाटर है, ऑर्डनरी वाटर है, वो 8 डिग्री के ऊपर हो, तभी आप जब लैब में काम करते हैं थोड़ा बहुत मेनिस्कस आपको
दिखता है ट्यूब्स में। सिल्वर और ग्लास का 90, सिल्वर ग्लास 90 का मतलब समझते हो फ्लैट दिखेगी, सिल्वर पिघला के डालोगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा इसमें 90, ये रहा टेंजेंट सरफेस के साथ, तो ग्लास के साथ एंगल क्या बनाएगा 90। इंक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया लिक्विड का, तो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है और सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है। ये दो याद करने आपने कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप डिटर्जेंट ऐड करते हो तो डिटर्जेंट फोर्सेस को चेंज करता है मॉलिक्यूल्स की, तो जिस वजह से क्या होता है सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप सॉल्युबल इंप्योरिटीज डालते हो, जैसे आपने शुगर डाल दिया, चीनी घोल दी, तो उसमें क्या होगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कम होने की बजाय बढ़ जाती है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे चेंज होती हैं डिटर्जेंट या शुगर डालने से, फिर अलग स्टोरी है, केमिस्ट्री के अंदर चला जाएगा वो एरिया। इस वजह से जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करती नहीं है, बस फैक्ट्स हैं, ये पता होने चाहिए, फैक्ट्स सफिशियंट है। ठीक, ये था आपका मेथड नंबर वन। ठीक, मेथड नंबर वन। फिर से एक बार एसेंट फॉर्मूला, हाइट फिर निकालनी है कैपिलरी की, लेकिन मेथड नंबर टू से, आपकी मर्जी है मेथड वन मेथड टू जो भी यूज करो। बुक्स के अंदर मेथड टू गिवन है, मैं वैसे बता दूं तो मेथड टू गिवन है, लेकिन मेथड वन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। मेथड टू कैसे काम करेगा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, हालांकि मेथड वन ही मुझे ठीक लगता है हमेशा। कि ये आपका एक मेनिस्कस है, लिक्विड रुक गया यहां पे, लिक्विड इसलिए राइज किया था क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड को खींचा था, एडहेशन कोहेशन याद है, खींचा था तो कुछ जगह मिली ऊपर राइज करने के लिए, तो वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। कब तक चढ़ता जाएगा, जब तक जो ग्लास ऊपर की फोर्स लगाएगी, जैसे ग्लास है, ग्लास के मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, तो ये भी थीटा, तो टेंशन की फोर्स के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, कॉस एंड साइन। इसने हालांकि टेंशन लिखी है पर टेंशन की फोर्स बोलनी चाहिए, फोर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं। और ग्लास की हर सरफेस पे ये डायग्राम बनेगा क्योंकि जो ग्लास है लिक्विड सर्कल दिखेगा, अगर आप ट्यूब के अंदर ऊपर से देखो आपको गोल दिखेगा क्योंकि ट्यूब गोल है ऊपर से, तो पानी की सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर बनेगा। तो टी कॉस थीटा सर्कमफ्रेंस पे ऊपर एक्ट करता जाएगा और टी साइन थीटा वॉल पे एक्ट करता जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा कितने सरकमफ्रेंस पे एक्ट करेगा 2πr। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी 2πr इंटू टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा पूरे लिक्विड के सरफेस पे एक्ट कर रहा है ऊपर 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 हर पॉइंट पर, और कितनी लेंथ पर 2πr। तो सरफेस टेंशन की फोर्स जो होगी वो 2πr इंटू टी कॉस थीटा होगी। अब ये फोर्स लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है, अब लिक्विड को कितना ऊपर लेके जा रहा है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो, तो लेट अस सपोज ये फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, ये फोर्स जो है ऊपर एक्ट कर रही है और लिक्विड ऊपर ऊपर आना स्टार्ट हो गया और एच हाइट तक आ गया, तो ये फोर्स अगर 10 न्यूटन की थी ऊपर की तरफ, तो लिक्विड का वेट जब तक ट्यूब में 10 न्यूटन नहीं हो जाता तब तक लिक्विड राइज करता जाएगा। जैसी कॉलम में ट्यूब का वेट सेम हो जाएगा राइज करना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका वेट निकाल लेते हैं लिक्विड का। वेट निकालने के लिए यहां तक लेंगे हम टोटल वेट, यहां तक टोटल वेट निकालने का मतलब पहले वॉल्यूम निकालना। किसका वॉल्यूम निकालना, वाटर का वॉल्यूम निकालना। वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहां तो वाटर है ही नहीं, खाली है तो इमेजिनरी है, तो हम एक सिलेंडर लेंगे यहां से लेके यहां तक का सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो यहां से लेके लोअर पार्ट ऑफ मेनिस्कस तक की हाइट कितनी है h, जो हाइट मेजर की जाती है मेनिस्कस के लोअर एंड से मेजर की जाती है, और ये रेडियस कितना है r, स्मॉल r।
एक ही बात है, वो तो सेंटर का वॉल्यूम इसे माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम है। तो इसमें स्मॉल आर और एच हाइट है, रेडियस इसका आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच पूरे सेंटर का वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस किया 2/3 पाई आर क्यूब, बचा हुआ वाटर का वॉल्यूम इंटू रो इंटू जे। तो यहां से कॉमन निकलेगा तो ये टर्म आएगी, ये जो वॉल्यूम या वेट आया लिक्विड का, ये उस फोर्स के इक्वल होना चाहिए जो सरफेस टेंशन ने लगाई। तो हमने क्या किया, एक फोर्स सरफेस टेंशन की निकाल ली और दूसरी फोर्स हमने वेट निकाल लिया लिक्विड का। और अगर हम इन्हें इक्वेट करें, इक्वेट करके आपके पास सॉल्व करके आपके पास सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ट्यूब बहुत छोटी होती है और हाइट बहुत बड़ी होती है, तो इनके मुकाबले दिस इज वेरी स्मॉल, कैन बी निगलेक्टेड। इसको निगलेक्ट कर दो, निगलेक्ट करोगे, ये देखो फिर से लिख दिया, निगलेक्ट करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, और एच को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2t cos θ/r ρg, सेम आंसर आ जाएगा। पर इस प्रूफ से बेटर मुझे पहला प्रूफ लगता है, क्योंकि इसमें एकदम चीजें काफी क्लियर दिखती हैं। तो आप फर्स्ट मेथड ही फॉलो कर लो मेरे हिसाब से, सेकंड इसलिए करवा दिया कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बुक्स का, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। ठीक, अगला टॉपिक इसमें लिखा हुआ है राइज ऑफ कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट लेंथ, मैंने करवा दिया। इनसफिशियंट लेंथ के केस में क्या करना है आपने, इसमें कुछ नहीं करना। और लास्ट टॉपिक, ये एक दो स्लाइड्स हैं सिर्फ लास्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि दो बबल्स अगर कंबाइन होते हैं वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में दो बबल्स कंबाइन हो गए, अब बबल्स की ये प्रॉब्लम है, ड्रॉप्स अगर कंबाइन होते तो एक ड्रॉप का वाटर दूसरे ड्रॉप का वाटर मिला के बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाता, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, पर बबल में इक्वेट नहीं करते, ये नहीं करते एक बबल की एयर दूसरी बबल की एयर बड़ी एयर नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है इसका, अब ये थोड़ा केमिस्ट्री और वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, जब प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब आप बबल को छोटा बड़ा करते हो उसका प्रेशर इनसाइड चेंज होता है वॉल्यूम की वजह से, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1V1 + P2V2 = P into V का फॉर्मूला लगता है। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट, सेकेंड जो सॉरी बबल है P into V का प्रोडक्ट, तो जो नया बबल बनेगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब क्योंकि ये बबल किस में पड़ा हुआ है, इन वैक्यूम पड़ा हुआ है, और अगर ये वैक्यूम के अंदर पड़ा हुआ है तो मुझे एक चीज बताओ कि अंदर का प्रेशर अगर P1 है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, वैक्यूम है तो प्रेशर कौन लगाएगा, कोई भी नहीं। तो अगर एटमोस्फेरिक होता तो आंसर क्या आता, 4T/r, ये तो है ही नहीं, तो अंदर का प्रेशर क्या आ जाएगा, 4T/r। तो चेक करो वैल्यूज, P1 की जगह 4T/r1, एटमोस्फेरिक नहीं आएगा, वॉल्यूम फर्स्ट बबल का, P2 की जगह 4T/r2 सेकेंड का वॉल्यूम, और P की जगह 4T/r नया प्रेशर नए बबल का और नया वॉल्यूम, इक्वेट कर दिया, कैंसिल करोगे टर्म सारी, टी 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 4π, तो रेडियस का रिलेशन आ जाएगा, आर स्क्वायर इज R1² + R2², तो R = √R1² + R2² तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर ये भी क्वेश्चन करवाया जाएगा तो सीधा शॉर्टकट यूज करेगा कि जो नया बबल का रेडियस होता है वो R1² + R2² का अंडर रूट होता है। वो कैसे हुआ समझ में आया, ठीक। तो ये रूल याद रखना है, और लास्ट रूल, रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस, जब दो बबल्स छोटे और बड़े मिलते हैं, मिल गए छोटे और बड़े बबल्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो छोटा बबल और बड़े बबल का जो इंटरफेस होता है कॉमन जो पोर्शन है वो इतना स्मूथ नहीं रहता, वो कुछ ऐसे हो सकता है अंदर की तरफ, डिपेंड करेगा कि उस सरफेस पे किस बबल ने अंदर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया। छोटा बबल हमेशा प्रेशर लगाएगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर होता है 4T/r, r जितना छोटा होगा बबल का प्रेशर उतना ही बड़ा लगेगा। एक क्वेश्चन भी आता होता है कि अगर सपोज करो एक यरी एक ट्यूब है और एक वैल्व लगा हुआ है ऊपर, ये देखो ऐसे ओपनिंग है, तो एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है, तो आपको ये बताना होता है इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, छोटे से बड़े में जाएगी हवा, क्यों, क्योंकि छोटे का प्रेशर बड़ा होता है बड़े के प्रेशर से, तो छोटे से बड़े में जाएगी, बड़े से छोटे नहीं जाएगी, ठीक। तो यहां पर सपोज ये इस तरीके से बेंडिंग हो गई, तो आपने देखा होगा बबल चिपके होते हैं तो वो जो सरफेस है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जहां से चिपकते हैं,
तो जो नया सरफेस आया वो बेंड होके कुछ ऐसा आया, ये देखो ये वाला, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं और इमेजिनरी स्फेयर बनाऊं तो इसका रेडियस क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको कॉमन इंटरफेस का रेडियस बोलते हैं। एनसीईआरटी के लिए नहीं करना, सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि अंदर से ये वाला बबल ज्यादा प्रेशर लगा रहा है 40/R1, ये वाला कम लगा रहा है 40/R2, तो नेट प्रेशर जो होगा उसके हिसाब से नया रेडियस बनेगा। तो इनमें नेट प्रेशर निकाल लिया, छोटे का प्रेशर माइनस बड़े का प्रेशर इज इक्वल टू 40/R, वेयर आर इज रेडियस ऑफ न्यू इंटरफेस। तो इमेजिनरी जो पोर्शन आएगा उसका इंटरफेस का रेडियस आर है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसकी कैलकुलेशन गलत है, प्लीज इसको सही कर लें। तो यहां पर R2 - R1 आएगा, प्लीज इसको करेक्शन कर लेना, ठीक। हाँ, तो इसको प्लीज करेक्शन कर लेना, दिस शुड बी इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, हाँ R2 - R1 आएगा, बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ रहा है यहां तक। तो डिनोमिनेटर में R2 - R1 कर लेना, तो याद करने की जरूरत नहीं, वैसे आपको याद रहेगा ये 1/R = 1/R1 - 1/R2, ठीक।